हर चीज को क्वेश्चन करने वाली, हर चीज को पत्रकारिता का धर्म, निर्भीक हो, निष्पक्ष हो, संविधान की शपथ लो और सामने जो भी शक्ति का स्रोत बैठा हो उससे तथ्य सम्मत और पूरी ऑब्जेक्टिविटी के साथ सवाल पूछो बिना किसी हिडन एजेंडा के। नमस्कार दोस्तों, पंजाब टुडे टीवी पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे द कश्मीर फाइल्स अपना प्रोपेगेंडा चलाने में सफल हुई और कैसे विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने इस फिल्म के डायरेक्टर और बीजेपी की हवा टाइट कर दी। तो ऐसा ये कहना पल्लवी का कैरेक्टर पूरा वही बोलता है जो जेएनयू में प्रोफेसर बोलते हैं? आपने वहाँ पर वैसे जेएनयू का नाम नहीं लिया। हाँ, हमने एएनयू कहा है, तो मतलब समझने वाले को इशारा काफी है। आप इतना नाराज क्यों हैं जेएनयू से? एक तो मेरा पर्सनल कारण है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि आज भारत की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। वहाँ पे आपको कोई भी प्रोडक्टिविटी ड्रिवन और एफिशिएंसी ड्रिवन एक माहौल देता नहीं है, और मैं भी आज तक किसी से मिला नहीं हूँ जो जेएनयू से पढ़ के आया हो जो कि एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी की बात करता हो। यू सेड कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद जेएनयू, व्हाट डू यू थिंक ऑफ निर्मला सीतारमण? जेएनयू से इतने इंटेलेक्चुअल्स, इतने अच्छे लोग वहाँ से निकले हैं जी, आप जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वो आता माजी सटक ले इस पार से उस पार। कोई ऑनर्स जर्नलिस्ट दिखते हैं आपको? कैन यू नेम फ्यू? मैं विश्वास करना चाहता हूँ आप हैं, और मैं इतने, हाउ डू यू डिसाइड दैट? सर, मैं डायरेक्टर हूँ, मेरी आंखें समझती हैं बात को। अच्छा। मैं बॉडी लैंग्वेज और आदमी की आंखें देख के समझ सकता हूँ। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, आई एम फ्रॉम जेएनयू। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं है, पर आपकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे बहुत देर से शक हो रहा था। अच्छा, हाँ। कैसी होती है बॉडी लैंग्वेज जेएनयू वालों की? थोड़ी सी हर चीज को क्वेश्चन करने वाली, हर चीज को पत्रकारिता का धर्म, निर्भीक हो, निष्पक्ष हो, संविधान की शपथ लो और सामने जो भी शक्ति का स्रोत बैठा हो उससे तथ्य सम्मत और पूरी ऑब्जेक्टिविटी के साथ सवाल पूछो बिना किसी हिडन एजेंडा के। ये लेफ्टिस्ट लोगों की सारी पॉलिटिक्स फेल हो गई है, और इनको ये लगता है जिस तरह से इंदिरा गांधी को छात्रों के साथ जुड़ के हटाया गया था उस तरह शायद फिर से छात्रों से जुड़ के इस बार नरेंद्र मोदी को हटा सके। बात इतनी सी। तो ये एक मुद्दा लाना बहुत जरूरी था कि किस तरह से इंस्टीट्यूशंस में लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी की वजह से ब्रेन वॉशिंग होती है। बिल्कुल, मैं नरेंद्र मोदी को एक लीडर के तौर पे मैं उन्हें पसंद करती हूँ और मैं बहुत प्रभावित हूँ उनके लीडरशिप से। जी, आपको लगता है कि कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो वो और अच्छी कर सकते थे नहीं कर पाए? यू हैव टू क्रिटिसाइज नरेंद्र मोदी टेन्योर? आई विल नॉट क्रिटिसाइज। आप सोचती हैं और आप अपने ख्यालों का इजहार करती हैं, आप उनकी तरह नहीं हैं जिन्होंने सुविधाजनक चुप्पियां ओढ़ रखी हैं पक्ष या विपक्ष में, इसलिए आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं। मैं सही बताऊं, मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं, तो मैं सोच के बताऊंगी आपको जरूर। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मेरा एक स्वभाव है कि मैं सिर्फ अच्छाइयां देखती हूं आदमी की, मैं बुराइयों पर ज्यादा गौर करती नहीं। राइट, इट्स अ वॉर ऑफ नैरेटिव। हम सब अपने ये नैरेटिव का वॉर चला रहा है लाखों साल से, और उसमें कोई गलत बात है भी नहीं। मेरे पीछे बोर्ड है, आप देखिए, इंटॉलरेंस फेल, अवार्ड वापसी फेल, लिंचिंग फेल, बीफ कैंपेन फेल, रोहित वेमुला कैंपेन फेल, आजादी आजादी बर्बादी भारत के टुकड़े कैंपेन फेल, टोटली एक्सपोज्ड, CAA NRC फेल, मुस्लिम स्केयर, मुस्लिम डरा हुआ है फेल, 370 और कश्मीर फेल। तो ये बिल्कुल गलती नहीं मत कर लीजिएगा मानने की कि मैं सिर्फ फिल्में करूं। मेरा एजेंडा है। अच्छा, राफेल फेल, राहुल गांधी मर्जिंग एज अ न्यू लीडर फेल, प्रियंका गांधी मर्जिंग एज अ न्यू लीडर फेल, अरविंद केजरीवाल इज ऑनेस्ट एंड ही'ल ब्रिंग न्यू पॉलिटिक्स फेल मिजरेबली। पर लेकिन कुछ लोग अभी भी होंगे कि क्या निकालें गलती, प्रधानमंत्री की बात में क्या निकालें गलती। ऐसे लोग हैं क्योंकि उनका काम धंधा ही है, क्योंकि उनके अंदर की बत्ती बुझ गई है। I'm better off as a chamcha of Modi. My question. I love Prime Minister Modi. क्या स्कूलों में ये नहीं पढ़ाया जाना चाहिए कि अगर नरेंद्र मोदी के नारे लगने चाहिए तो क्यों नहीं लगने चाहिए? अरे कहना क्या चाहते हो? क्या स्कूलों में ये नहीं पढ़ाया जाना चाहिए कि अगर नरेंद्र मोदी के नारे लगने चाहिए? नहीं। What is the problem? आप बताइए। आप बताइए, मेरे को तो नहीं पता कुछ। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है। और सवाल थोड़ा गहरा है सर, तो गोता उसमें मार के आपको जवाब देना होगा। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? मैं सही बताऊं, मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं, तो मैं सोच के बताऊंगी आपको जरूर।
मैं मानता हूं डेमोक्रेसी की अगर उत्तम से उत्तम कोई ब्यूटी है तो वो क्रिटिसिज्म है। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।